राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खस्ता मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट शक्करपारे की रेसिपी। यकीन मानिए, आप इसे एक बार खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसमें डाल लेते हैं 4 चम्मच घी। अब इसे अच्छे से हाथों से मिला लीजिए, जिससे मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हल्के गर्म पानी से गूंदेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। शक्कर पारे के लिए मैदा हमें टाइट लगानी होती है। मैदा हमारी गूंद गई है। अब इस पे थोड़ा सा घी और डालकर इसे चिकना कर लेंगे। हमारी मैदा इतनी टाइट होनी चाहिए। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। इसे गूंदने में लगभग आधा कप पानी लगा है। जब तक हमारा आटा तैयार होता है, हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी चीनी और 3/4 कटोरी पानी। अब इसे मिला लेंगे और मीडियम गैस पर पकाएंगे। शक्कर पारे बनाने के लिए चाशनी 1 तार की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी सूख चुका है। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, ऐसे तार बनना चाहिए। इसको बनाने में 10 मिनट लगे हैं। अब मैदे को थोड़ा सा मसल लेंगे और इसके 3 भाग कर लेते हैं। हम एक लोई लेकर बाकी आटे को ढक देंगे। इसको ऐसे मसलते हुए गोल कर लेंगे। और बेल लेते हैं। इसको हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। देखिए, इसकी मोटाई ऐसी होनी चाहिए। इसको अब चाकू से काटेंगे। इसको इस तरह 1-1 इंच के स्क्वायर शेप में काट लें। किनारे के छोटे पीस हटा दें। हमारा शक्कर पारा कुछ इतना मोटा होना चाहिए। अब हम इन्हें तल लेंगे। देखिए, हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसमें शक्कर पारों को डाल देते हैं। इन्हें हमें मीडियम गैस पर तलना है। इनको बीच बीच में इस तरह से चलाकर दोनों तरफ से सेक लें। इनको हमें हल्का ब्राउन होने तक तलना है। शक्कर पारे अब हमारे तैयार हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसको तलने में लगभग 7 से 8 मिनट लग जाते हैं।
अब चाशनी को हल्का गर्म कर लें और शक्कर पारों को इसमें डाल दें। शक्कर पारों को इस तरह चाशनी में अच्छे से डुबो लें। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इनको इस तरह से प्लेट में चला लें, वरना ठंडा होने पर ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। शक्करपारे अब तैयार हैं। देखिए टेस्टी लग रहे हैं ना? आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके एक महीने तक खा सकते हैं। आप भी इसे बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके शक्करपारे कैसे बने। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।